ओके तो हेलो गाइस, मैं फिर से आया हूँ एक न्यू सर्वाइवल सीरीज के वीडियो पे। तो आज की इस वाली वीडियो पे हम फिर से एक बार खेलने वाला है माइनक्राफ्ट सोलो सर्वाइवल सीरीज। तो चलो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके इंटर के बाद आप सब लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज यहाँ पर देख सकते हो हमको मिल चुका है बैडमन में ना, ट्रेडिंग हॉल में ट्रेड करने के लिए। थोड़े लकड़ी लेने आया था, मतलब फ्लेचर से ट्रेड करने के लिए स्टिक्स का। बट यहाँ पर पिलेजर्स आ गए थे, मैं जल्दी से उनको मार दिया डब भी किया। अभी मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल प्लान नहीं था, बट फिर भी बना दे रहा था क्योंकि हमको यहाँ पर रेड मिला तो रेड तो करेंगे। मैं सोचा कि मिल्क पी लूँ क्योंकि अपने पास इतने अच्छा लूट नहीं, मतलब टूल्स वगैरह। बट फिर भी हम मार देंगे भाई क्योंकि हम हैं पीरो। तो चलते हैं जल्दी से घर पे और भाई देखते हैं कैसा रेड होगा। भाई बड़ा रेड हो गया ना, मतलब मेरे को बस एक ही डर है कि नहीं एक नहीं सिर्फ दो ही डर है। देखो मेरे पास आर्मर भी अच्छा सा नहीं है। एक डर ये है कि नीचे केव्स वगैरह में स्पॉन ना हो जाए ये पिलेजर्स। एंड दूसरा डर ये है कि भाई अंदर ट्रेडिंग हॉल में स्पॉन हो गए ना, भाई गलती सीन हो जाएगा। अपने पास आयरन का मतलब आयरन गोलम एक था जो कि उन्होंने स्पॉन किया, जिसको मैंने मार दिया। मैं सोचा कि दूसरा गोलम स्पॉन कर देंगे, बट वो लोग स्पॉन ही नहीं किए। एंड यहाँ पर रेड स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं किस साइड से आते हैं अपने फर्स्ट टाइम। हाँ बता नहीं भूल गया, पूरा फेंस लगा दिया हूँ देख ही सकते हो मैंने। वो भाई यहाँ पर आ भी गए, मैं आप लोग को फिर से दिखाऊंगा, एक मिनट रुक जाना। तो यहाँ पर पहला तो गया, तो ये डैमेज कैसे मिल रहा है। तो चलो फर्स्ट रेड बहुत ज़्यादा इजीली ख़त्म हो चुका है। बस खाना नहीं है यार, खाना का सीन ना हो जाए। तो यहाँ पर सेकंड रेड स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर देखते हैं सेकंड रेड क्या ऐसा होगा। एक आयरन गोलम मैं बना भी तो नहीं पाऊंगा, अपने पास पम्पकिन का हेड नहीं है। मैं सोचा कि आयरन गोलम बना लूँ, बट अब पम्पकिन का हेड नहीं है भाई। सेट स्पॉन हुए इस बार वो भाई। तो चलो इनको मारते भाई, किधर भाग रहे हो। सारे बाहर आए, देखे फेंस का कमाल, बट सारे बाहर आ गए भाई। वेंडिकेटर ही होता है ना ये, या इवोकर होता है। इवोकर नहीं, इवोकर वही होता है कि जो टोटम ऑफ फंडिंग देता है। आई थिंक मैं सही हूँ कि नहीं मेरे को पता नहीं, आप लोग बता देना कमेंट में। मेरे को जहाँ तक लगता है कि इवोकर वही है जो कि टोटम ऑफ फंडिंग देता है। तो भाई किधर भाग गए, अभी तो यहीं पर थे। मैंने एक शील्ड भी बना लिया था, लग गया था। तो यहाँ पर एक और भाई, दूसरी भाई जल्दी मरना भाई। हल्क देखो क्या ही कर दिया भाई साहब। तो ये दूसरा बंदा किधर गया, लास्ट वाला दिख नहीं रहा है मेरे को, पता नहीं किधर गया। केव वेव में स्पॉन ना हो गया हो या उसके अंदर स्पॉन ना हो गया हो, मेनली बस उसी का डर है मेरे को भाई। वो ट्रेडिंग हॉल में स्पॉन हो गया ना, डबल डोर देख सकते। तो मैंने थोड़ा और अच्छा बना दिया हूँ इसको, जो कि मैंने पिछले बार नहीं किया था। मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ आप लोग अंदर से। ये देखो यहाँ पर सारे बेड्स एंड यहाँ पर सैंड स्टोन के सब लगा दिया हूँ, तो सो भी जाता हूँ लगे। आप देख सकते हो आगे वॉल्स वगैरह सब कुछ बना दिया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड सब कुछ ठीक कर दिया हूँ, जो भी मिस्टेक्स हुए थे। भाई बाहर आ जा, इसके अंदर भी नहीं है तो किधर है भाई। ये आप भी स्पॉन हुआ क्या? मैं पिछले बार इसी साइड से तो आया था, यहाँ पर था नहीं है, पता नहीं भाई। क्रीपर आ रहा है, उसका डर लग रहा है उल्टा। तो इसको हम थोड़ा यूनिक तरीके से मारेंगे, आ जा। ए लो भाई, थोड़ा भी लेट हो जाता ना, पानी वहाँ पर जाता नहीं, वहाँ तक पहुँचता नहीं जो वहाँ पर मतलब क्रीपर जा पड़ता एंड वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता था। तो थर्ड रेड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आ गया है इसको क्या बोलते हैं भाई, शार्ड या रिवेंजर, इसी को बोलते हैं क्या? रिवेंजर मेरे को भूल गया भाई, बट इसी को बोलते हैं आई थिंक रिवेंजर। हमको यहाँ पर शेडल मिल चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई। कितने चालू है भाई, जब रीलोड करने का आ जाता है तब पीछे भाग जाते हैं ये लोग भाई साहब। अलग ही चालू है ये पिलेजर्स तो भाई। तो भाई फोर्थ रेड भी अपर स्टार्ट हो चुका है भाई, कितने रेड होंगे? आई थिंक ये लॉस्ट हो सकता है भाई। ये बड़ा रेड होने वाला, छोटा नहीं, अब ये स्टॉप नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर ना ये विच आ गया भाई। विच का बड़ा डर लग रहा है, पोशन फेंक के मारेगी एक ही बार में, वो पूरा हाफ आर्ट कर देगी पोशन। और ये लोग एक क्रॉस को मार दिया, गया टाटा भाई भाई। मैं एक भी बार बिना मरे करना चाहता हूँ ये रेड, बस मैं क्रॉसबो उठा लेता हूँ जिसके मैं विच को मार पाऊँ भाई। इनकी ऐसी की तैसी भाई, क्या समझ कर भाई। स्प्लिट कंट्रोल एक तो ये करेक्ट एम करना पड़ता है इनके ऊपर। तो चलो एरो से ना, चलो एरो से अपने पास थोड़े बहुत। तो अरे भाई ये फेंक दी मैं वो इन्वेंट्री ओपन क्या ही कर दिया इसने भाई यार, पॉइजन फेंक दिया। हमको मिल्क लेना पड़ेगा जल्दी से। यहाँ पर खड्डा करता हूँ भाई, हमको यहाँ पर काऊ मिल चुका है जो कि बहुत बढ़िया है।
जल्दी से मिल्क पीवो। ओ भाई चलो, एक और बकेट मैंने रख लिया इमरजेंसी के लिए, तो पॉपचॉप खा रहा हूँ क्योंकि अपने पास फूड ज़्यादा नहीं है, एक एक हंगर के लिए तो बाद में दिक्कत हो सकता है हमको इसी वजह से। तो भाई ईयरफोन्स का वॉइस आ रहा, तो सॉरी गाइस मैं कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों आता है ईयरफोन्स जब भी लगा के खेलता हूँ। ईयरफोन्स नहीं लगाया ना तो बस लोनस का पोर्शन दे दिया, ईयरफोन्स नहीं लगाया ना तो गेम वॉइस आ जाता है और मेरा वॉइस आता नहीं, वो गेम वॉइस भी ठीक से नहीं आता, इतना हाई आता है कि कुछ सुनाई नहीं देता, पूरा ब्लर सा आता है, इसलिए ईयरफोन्स लगाता हूँ तो ये भाई वॉइस अलग ही आ जाता है पता नहीं क्यों, तो उसका बहुत सारा। तो सॉरी गाइस, एंड मैं यहाँ से ये तीन मतलब और दो बिच्छ बचे इनको भी मारना, इनको मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्रॉसबो से, भाई यार फिर से फेंक दिया इसने, मिल्क पीओ मिल्क पीओ भाई, जल्दी से मिल्क 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 भाई, हार्मिंग का पोर्शन तक फेंक रही है भाई, हार्मिंग का पोर्शन भी फेंकते हैं क्या, मेरे को नहीं पता था कि हार्मिंग का पोर्शन भी फेंकते हैं, मेरे को जहाँ तक लगता है स्लोनेस फेंकते हैं और एक पॉइजन, भाई हार्मिंग फर्स्ट टाइम फेंका है मेरे पे, तो आप लोग पे फेंका हो तो बता देना, मेरे पे तो फर्स्ट टाइम ही फेंका, तो भाई एक शॉट की होगी, चलो दो शॉट की थी, तो इसको मार दिया, एक और भी चीज सेड से इसको भी हम ख़त्म करते, देखते ये और कितने रेड होंगे, लॉस्ट हो गया तो बढ़िया होगा वरना कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम सभी को मार देंगे इस सड़े भाई, मारो मैं अंदर जाना चाहती, विलेजर्स को मारेगी भाई, भाई साहब भाई आ रही यार, भागो 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 भाई, बहुत ज़्यादा दूर फेंक देती है यार ये पोर्शन, हम भी ये देखो कितना दूर फेंक दिया, हम खुद नहीं फेंक सकते इतना दूर, तो ये भी फाइनली ख़त्म भाई, एक और रेड, देखो कोई बताएगा भाई इतने रेड क्या यार, बिल्कुल अलग ही सी, चलो कोई ना, एक और रेड स्टार्ट हो चुका है तो किधर स्पॉन हुए है, ओ भाई गलत, इस बार वॉकर आया ना आई थिंक, हाँ वो ये वॉकर ही है ना जो आगे भाग रहा, मेरे को ठीक से ऐसे दिख नहीं रहा था, अरे तेरी तो ये वाह, हाँ ये देखो इसी को बोलते हैं वॉकर, जो कि टोटम ऑफ अंडायन मिल जाएगा भाई हमको, किधर गया भाई, हमको यहाँ पर इतना जल्दी टोटम ऑफ अंडायन मिल चुका जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है भाई, मैं अभी तक एक भी बार मरा नहीं हूँ क्योंकि अपना आर्मर भाई सिर्फ दो ही चीज़ है आर्मर के, बट फिर भी वो भी बचा रहा है भाई, ये ऊपर मैं नीचे वाले को मार रहा हूँ तो ऊपर वाला मार रहा है भाई मेरे को, तेरी तो बगैर आप क्या करेगा बच्चू, तो हम शेडल भी उठाएंगे, मैं सारा क्लीन कर रहा हूँ ना इस वजह से मेरे में इतना डर्ट बचा है, क्योंकि मैं सारा प्लेन करते हुए सब कर रहा था, मैं देख ही सकते हो फेंसिंग काम कितना किया हूँ मैं, ताकि कोई मॉब्स बहुत ज़्यादा अंदर आ रहे हैं, मैं सोच रहा था कि स्टार्टिंग पे ही जब ट्रेडिंग हॉल बना रहा था तभी आप लोग को बताया था कि भाई हीरो ऑफ द विलेन मिल चुका है भाई, सनत कब ज्वाइन हो गया भाई, यार ये भी जाने होगा, चलो कोई हमको यहाँ पर हीरो ऑफ द विलेज मिल चुका जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, तो भाई फाइनली अपना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है रेड, तो देखते हैं इन ट्रेड कैसे दे रहे हैं, मैं पहले ही बताया था आप लोग बट ट्रेड, अरे फ्लेचर बहुत कंजूस भाई, इसको लग गया बट ट्रेड ज़्यादा ना कर दे 17, चलो कोई बात नहीं, इसके पास बहुत ज़्यादा बुक्स है भाई, मैं लाइब्रेरी देख ही सकते हो विलेजर, ये विलेजर का कोई यूज़ नहीं है, इसको मार दूंगा उल्टा बेड वगैरह घेरेगा और कुछ नहीं, तो ये लूटिंग थ्री का है भाई, तो यहाँ पर देख ही सकते हो लूटिंग थ्री हमको मिल जाएगा, एंड यहाँ पर अनब्रेकिंग थ्री तक मेंडिंग तक मिल रहा है, मैंने मेंडिंग वाले को भी बना चुका हूँ, एंड ये एक ना ब्रूइंग स्टैंड अपने वहाँ पर आगे वाला विलेज पे था, मेरे को अभी तक पोर्टल तो मिला मतलब फोर्ट्रेस तो मिला नहीं, फोर्ट्रेस किधर से मिलेगा, पोर्टल बनाएंगे तो तब ना ढूंढेंगे, तो फिर पोर्टल नहीं बनाए हैं हम, तो मेंडिंग वाला किधर गया यार, ये प्रोटेक्शन फोर, हाँ बोलना भूल गया, प्रोटेक्शन फोर मैंने लिया हूँ, मेंडिंग वाला किसी जगह दिख नहीं रहा है, ये अनब्रेकिंग थ्री देख ही सकते हो, ये होगा आई थिंक मेंडिंग, ये है ना, हाँ ये देखो मेंडिंग वाला भाई, इससे हम मेंडिंग लेंगे भाई सिर्फ 10 एमराल्ड, तो मैं 5 बुक ले सकता हूँ, मतलब 5 मेंडिंग ले सकता हूँ मैं, अभी जाऊँगा ना, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, हमको यहाँ पर मेंडिंग 10 एमराल्ड में मिल रहा है, और वहीं पर हमने जल्दी से जल्दी फोर्ट्रेस ढूंढना पड़ेगा, एंड मैं सभी का ना कॉस्ट कम करवा दूंगा भाई, एक एक एमराल्ड जो भी मेरे को चाहिए प्रोटेक्शन फोर वगैरह को, ये देख सकते हो मैंने ऑलरेडी पहले से ही 3 बुक लिए हुए थे मेंडिंग, एंड इसके अंदर अपना एक्स के अंदर मैंने एफिशिएंसी 3 भी ऐड कर लिया जो कि वहीं से मिला है, उन लोगों में एक एफिशिएंसी 3 भी बेच रहा था उसको, तो मेरे पास और एमराल्ड थे आई थिंक, नहीं है क्या, सिर्फ नहीं है
हाँ ये देखो 64+ एमराल्ड है अपने पास भाई। इसको भी किधर ना लगा देंगे, यहाँ पर नहीं लगाना। अबे टूटता भी है कि नहीं, वो उड़ टूट रहा है अपना घर का, कैसे टूटता है भाई। अच्छा उसे थोड़ा टाइम लगता है उसको तोड़ने में, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ इसको। तो कैसा लग रहा है आप लोग बता देना। एंड मैं इससे ना ये लेता हूँ, ये कोने ये ही है ना, ये नहीं आई थिंक, हाँ यही आई थिंक। हाँ इससे जितने बुक्स आएंगे उतने बुक्स उठा लूँ, मेरे इन्वेंटरी में जितना प्लेस है उतने लूँगा मैं। हाँ और प्लेस नहीं है तो काफ़ी है आई थिंक इतने। चलो 4 बुक 5 बुक, चलो एमराल्ड भी ख़त्म ही हो गए वैसे भी। एमराल्ड ख़त्म हुए कि बुक्स, नहीं नहीं बुक्स तो यहीं पर है ना, तो चलो इतने बहुत है हमको। तो भाई रेड तो यहाँ पर जीत लिया, एंड टोटमा फंडाइंग भी बहुत ज़्यादा इजीली मिल गया है। एंड भाई वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर मैंने भाई इतने सारे मिंडिक देख ही सकते हो। एंड मैंने यहाँ पर हीरो ऑफ द विलेज मिल चुका है, तो आप लोग भी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना पका लेता हूँ, एक और चीज़ दिखाना है आप लोग को। ये देख सकते हो पहले तो फेंस मैंने सारा बनाया हूँ, देख ही सकते हो पूरा गोल। एंड मैं अभी वहीं पर जा रहा हूँ, दूसरी चीज़ जो दिखाना था मेन चीज़, तो उसके जगह पर ही जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे घर के आगे वाला केव पे नीचे जाना, ये ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगा केव कौन सा वाला केव है, वही केव जिसके अंदर हमको फर्स्ट एमेथिस्ट शार्ड, जब मैं डायमंड माइनिंग पे जा रहा था तब हमको एमेथिस्ट वाला जो जियोड मिल गया था ना, उसी वाला पे। तो हम थोड़ा नीचे और चलते भाई, कैसा कैसा रास्ता है देखो। तो ऐसे हम नीचे चलते हैं एंड वहीं पर दिखाऊंगा भाई हीरो ऑफ द विलेज अभी तक है। चलो ये भी बढ़िया है। तो अरे किधर गिर गया, मैं पानी नहीं लाया यार, थोड़ा दिक्कत। चलो यहीं पर मिल गया पानी, मैं पानी नहीं लाया, मैं सोचा कि दिक्कत हो गया, क्योंकि बिना पानी के थोड़ा दिक्कत होता है, लावा वावा का सीन आ गया ना। अबे ब्लॉक्स की ऐसी कितने सी इतना दिक्कत कर रहे। तो यहाँ से ना मैं माइनिंग किया था, मैं बता रहा हूँ अभी, तो माइनिंग करने गया था, ये देख सकते हो। अच्छा ये भी वही पर ज्वाइंट हो गया, तो यहाँ पर देख ही सकते हो हमको मिल चुका है यहाँ पर डायमंड्स। ओ भाई देखते हैं कितने डायमंड, मैंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ यहाँ पर डायमंड जैसे था वैसे ही छोड़ दिया हूँ, चाहे वो जितने, 1, 2 और 3 डायमंड मिल चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही बढ़िया बात है। 3 डायमंड इतने भी खास ना, बट हमको यहाँ से 6 डायमंड मिल चुका है, मतलब एक एक डायमंड का दो दो मान सकते हो, मतलब दो दो डायमंड मिला है एक एक और का। तो यहाँ पर थोड़े और डायमंड मिल गए हमको भाई, 4 डायमंड है क्या ये, या 6 भी हो सकते हैं, नहीं ये 4 ही है। तो चलो कोई बात नहीं, ये 4 डायमंड है भाई अपने को, यहाँ पर 12 डायमंड यहीं पर हो गए। तो हमको यहाँ पर और डायमंड मिल चुके हैं, एंड इस साइड में जा रहा था एंड ट्रैवल आ गया, इसी वजह से मैं रुक गया हूँ इस साइड। तो यहाँ पर भी मेरे को डायमंड्स मिले थे, जो कि देख ही सकते हो, यहाँ पर और 2 डायमंड मिले। मैं आप लोग के सामने लेना चाहता हूँ, वरना आप लोग बोलो ये कहीं ना कहीं से ला दिया। मैं माइनिंग भाई मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, इसलिए माइनिंग करने लग गया था, वरना ये भी आपको लोग के साथ ही करता, क्योंकि मेरे को थोड़े बहुत और टूल्स बनाने, मेरा आर्मर भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, क्योंकि उतना सारे इनफ डायमंड्स नहीं थे, इसी वजह से मैं थोड़ा माइनिंग करने चला गया था। एंड यहाँ पर कोई केव मिल रहा है क्या, अभी देख लेता हूँ, रुक जाओ। भाई यहाँ पर कोई केव ही नहीं है, देख सकते हो भाई गलत। चलो कोई बात नहीं, तो मैं ऊपर आ चुका हूँ यहाँ पर, तो मैं वहाँ पर तो कोई केव वगैरह कुछ मिला नहीं, हम इंचेंटमेंट्स देख लेते। मैं क्या इंचेंटमेंट देखूँगा बिना कुछ बनाए, कुछ बनाना तो मतलब इसका आर्मर बनाना पड़ेगा ना भाई, डायरेक्ट डायमंड उसमें रख देंगे तो थोड़ी इंचेंटमेंट्स आ जाएंगे। मेरे को एक हेलमेट और एक बूट्स बनाना है, तो और ये टूल्स भी बना लूँगा मैं लगे आती, एक शवल में भाई शवल में, एंड सभी में ना मेंडिंग भी लगाना है भाई, मेरे पास ये एक्सपी तो है मैं लगा दूंगा बाद में, बट यहाँ पर काम आएगा ना वो एक्सपी, इसी वजह से यहाँ पर पूरे काम हो जाने के बाद में नेक्स्ट एपिसोड तक आई थिंक मेंडिंग वगैरह सब कुछ अच्छे वाले, मतलब पूल पूरा अच्छा आर्मर बना दूंगा। चलो सिल्क टच मिल चुका है, जो कि पिछले बार ही मिल रहा था, बट डायमंड्स ना होने के कारण मैं लिया नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सिल्क टच के साथ एफिशिएंसी 3 एंड अनब्रेकिंग 3 भी मिल चुका है, एफिशिएंसी 3 नहीं सॉरी 4 मिला था। ओके तो देखते हैं कुछ अच्छा मिल रहा है भी या नहीं, कुछ अच्छा नहीं मिला तो देखते हैं, कुछ अच्छा मिल गया तो बढ़िया होगा। तो आज के इस वाले वीडियो पे सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल पे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यहाँ पर कुछ खास इंचेंटमेंट्स तो मिल नहीं रहा है, तो
हम यहाँ पर वीडियो एंड कर देते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बाय गाइस। ओके तो गाइस मैं यहाँ पर थोड़े बहुत काम कर रहा था एंड आप लोग आगे देख सकते हो मेरे को क्या मिल चुका है। यहाँ पर मैंने ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था एंड बाकी थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा था यहाँ पर, तो मेरे को आगे दिख चुका है स्केलेटन। थंडर स्टॉर्म हुआ था एंड यहाँ पर चार चार स्केलेटन स्पॉन हो चुके हैं हॉर्स के ऊपर। मैं भाई को भाई हॉर्स को लग रहा है शील्ड नहीं लगाऊंगा। वाह इनका आपस में ही फाइट हो गया, मैं कुछ करना ही नहीं रहा, बट फिर भी मैं इसलिए मार रहा हूँ ताकि कुछ हॉर्स को ना लग जाए। हॉर्स को लग गया ना, देखो आपस में ही फाइट कर रहे हैं लोग, हॉर्स को लग गया ना उल्टा सीन हो जाएगा, इसी वजह से मैं मार दिया हूँ इन लोगों को। एंड यहाँ पर मैं सभी को देख सकते पूरा टॉर्चर्स वगैरह कर दिया हूँ एंड सभी को अपने बेस में रख देता हूँ। तो यही दिखाना था आप लोग को, फिर से बोलोगे कि इसको कहीं और से ले लिया क्रिएटिव वगैरह से, तो प्रूफ के साथ दिखा चुका हूँ आप लोग को। तो चलो बाय गाइस।